भाई और बहन के रिश्ते को भी शर्मसार करने वाला यह तस्वीर। हॉस्पिटल के एक बेड पर पड़ी एक महिला कराह रही है, और इसे कोई और नहीं, इसका अपना सगा भाई ने ही सुबह में इतना पीटा कि यह अभी जीवन और मौत के बीच में जूझ रही है। स्त्री का विवाह हो गया है और बकायदा वह अपने महिला के 40वें दिन अपनी माँ की कब्र पर मिट्टी देने आई थी, और इसी क्रम में भाइयों ने उसे पीटा है। खबर दरभंगा जिला के यूनिवर्सिटी थाना अंतर्गत अली नगर नाका नंबर 1 की है, जहाँ की आज सुबह जब बहन सोई हुई थी तो सोई हुई अवस्था में उसके अपने ही भाई ने उसे इतना पीटा कि अभी वह DMCH के एक अस्पताल पर भर्ती है। पीटने के पीछे का कारण है कि एक भाई का कहना है कि हमारा दूसरा भाई जमीन के संपत्ति में अपने बहन को पीटता है, आए दिन मारपीट करता रहता है, दिन टॉर्चर करता रहता है। कौन लोग मारपीट करता है? हमसे बड़ा है, पप्पू नाम है उसका, पप्पू है, रनुमा है, बिन्नी, धमकी देता रहता है कलकत्ता। ये कौन लोग हैं? ये तीनों मेरा बड़ा भाई है, तीनों दौलत के चक्कर में कुर्बान करना चाहता है। उसके बाद में हम लोग बोले भाई ले लो तुम लोग, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग तो अपनी बहन को लेके रखे हुए, हमारी माँ गुजर गई तो माँ गुजरने के बाद बहन रखी हुई थी हम लोग को, और बेचारी औलाद की तरह सबको पोसी पाली, उसको थप्पड़ थप्पड़ मारा, घूसा से मारा, उसको गाली देता, उसको आए दिन टॉर्चर करता है, उसका कोई यहाँ रोता नहीं है, उसका हस्बैंड एक दो दिन पहले आया है, उसके हस्बैंड को भी मारा, उसके बाद इसको मारा, आदमी को बुला के लेके आता है आए दिन गुंडा सबको, और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, पिछला बहुत सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका, आए दिन बदमाशी करता रहता है। ये किस वक्त की घटना है? ये आपको करीब करीब 10-11 बजे के बीच में घटना हुआ है, 11 बजे के बीच में घटना हुआ है। इससे पहले भी कोई मामला हुआ था? बहुत बार किया इससे पहले मामला हुआ, बहुत बार हम पर भी इल्ज़ाम लगाया था। तो इसको लेकर के कहीं कंप्लेन किए हैं? कंप्लेन उस पर बहुत सारा केस है ऑलरेडी गांव में। अच्छा, बहुत सारा केस आपने किसी वाले पता? जी सर, क्या घटना घटी थी? सर मैं अंजू मली दरभंगा से, मैं दामाद हूँ इस घर का जी, मेरी वाइफ थी सर। पप्पू सुबह में आया सर 10:30 बजे के लगभग, आके सीधे बहन लोग को गाली दिया, सब दिया, मेरे पास फुल रिकॉर्डिंग है सर उसकी। उसके बाद छुरी निकाला, छुरी निकाल के मारने का कोशिश किया, सब औरत लोग मिल के, एक और साला था अन्नू, उसने मुझे मिल के बचाया सर। उसके बाद फिर मैं चला गया बाहर सर, फिर उसके बाद रहनुमा को बुलाया, ससुराल से कहीं पे था, उसको बुला के फिर उससे मारपीट करवाया सर, गाड़ी गुलाज दे के, उसके डैडी भी गवाह हैं और सब गाँव वाले हैं सर गवाह। उसको मारा, नाक में मारा सर, पीठ में रॉड से मारा, छुरी भी था, तो कितना बचाने में इधर उधर पक्के के ऊपर सर दो तीन बार गिरी सर, सेंसलेस हो गई, नाक से ब्लड गिरने लगा, अभी तक आप देखें सर ब्लड गिर ही रहा। हॉस्पिटल में आए सर, यहाँ पे करा लिए, ENT को रेफर किया, 2 घंटे बाद सर ENT आई। मैंने 2-3 बार सुपरिटेंडेंट को ही फ़ोन किया, बोले मैं करता हूँ, अभी कर लिए। उसके बाद सर एक्सरे में गए, एक्सरे मशीन ख़राब है, अभी मैं बोला ठीक है सर एडमिट ले लीजिए, कम से कम आज मशीन ख़राब है तो कल चेकअप हो जाएगी, तो बोलते हमारा काम नहीं है, आप जाइए जो करना है, ऐसा वैसे उलट पुलट के बात है सर। ये घटना कहाँ की है? ये घटना सर नाका नंबर 1 अली नगर सर, अली नगर। ये जो एडमिट हुई हैं वो कौन है आपके? वो मेरी वाइफ हैं सर। क्या नाम है उनका? तलत सिरीन। अच्छा, किस वक्त आप लेकर के आए हैं? मैं इसे लेके आया करीब 1 बजे सर, लेके आया। किस वक्त घटना घटी थी? घटना घटी है सर 12:30 के लगभग सर, 12:30 बजे। बाहर में सर बेहोश पड़ी थी, मेरे पास फोटो भी है सर, कोई उठाने वाला भी नहीं था, क्योंकि साले ही लोग मारा, अब मेरा तो घर है नहीं, मेरे तो भाई हुई कोई है नहीं सर, अब बगल में जो थे गेट बंद करके अपने अपने इसमें। क्या वजह था जो मार रहे हैं आपको? वो बोलता बहन को, बोलता तुम काहे यहाँ पे आती हो, तो बहन है, माँ का 40वां था। क्या रीजन लगता है आपको? क्या रीजन? ये देखिए सर, 1 साल हो गया, माँ की खाना हुई तो सब भाई लोग शेयर करके माँ की खाना, अभी परसों तरसों हुई है सर, ये लोग सब एब्सेंट थे तो उसकी माँ थी, वो अपना हमको बुलाई बिचारी, मैं तो 2 ही दिन आगे आया, 3 दिन सर आया, तो खाना उना हो गया। देखिए मेरे पास टिकट भी है कल की रिटर्न की, अब उसने आके एक बैग से अपने आप गाली गुआ सब। ये कौन लोग हैं मारने वाले? ये सब साले हैं। अब सवाल यह है कि जब भाई ही जान का दुश्मन बन जाए, वो लोग जिन्हें संविधान तो कहता है कि बराबर का अधिकार भाई और बहन का है, लेकिन फिर भी तस्वीरें बहुत कुछ कह जाती है। दिल को दहलाने वाली यह तस्वीर अपने आप में कई सारे प्रश्न खड़े हैं, खड़ा कर जाता है व्यवस्था पर, सिस्टम पर, और भाई बहन जैसे रिश्तों पर।
हम कई सारे ऐसे तस्वीर आप तक पहुंचाते रहते हैं और दिखाते रहते हैं। आपके पास भी कुछ हो रहा है तो हमें ज़रूर बताएं। यूनिक न्यूज़ के लिए दरभंगा से सोनू झा की ये रिपोर्ट।